please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल्टी मीडिया और मैं हूं आपके साथ राकेश सिंह। आज हम आए हुए हैं जयपुर में राजस्थान रियल्टर्स एसोसिएशन की मीट में और यहां पे मैं मिलूंगा कई सारे रियल्टर्स से और बात करूंगा यहां पे अगर रियल्टर्स रेरा से रजिस्टर हो रहे हैं तो उन्हें क्या फ़ायदा मिल रहा है, बायर्स को क्या नया मिलेगा और भी काफ़ी सारी बातें। इसी सिलसिले में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रमेश तेलानी जी। आप एक रियल्टर हैं? मैं सुख संपत्ति रियल्टी का सीईओ हूं। मैं अजमेर से बिलोंग करता हूं और ऐसे में डील करता हूं। आपने रेरा में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है? हाँ, मैं राजस्थान के जो पहले 50 रेरा रियल्टर्स हैं उनमें हूँ और अजमेर का पहला रेरा रजिस्टर्ड एजेंट हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि रेरा में अगर एक रियल्टर रजिस्टर करवाता तो सबसे पहले उसका क्या फ़ायदा है इसमें? सबसे पहली चीज़ जो रियल इस्टेट में कमी थी ऑर्गेनाइज और प्रोसेसिंग की, तो अब जैसे रियल इस्टेट पूरा ऑर्गेनाइज होता जा रहा है उसके ऊपर रेगुलेटरी आती जा रही है, तो जो भी ब्रोकर जो भी एजेंट इससे रजिस्टर्ड होगा उसको मौका मिलेगा आने वाली फ्यूचरिस्टिक चीज़ों में एंटर करने का, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस करने का, ऑर्गेनाइज प्रोजेक्ट में डील करने का। क्योंकि अब नए कानून के हिसाब से ऐसा कोई भी एजेंट जो भी रेरा से रजिस्टर्ड नहीं है रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स में डील नहीं कर सकता, तो सबसे पहली चीज़ उसको मौका मिलेगा ऑर्गेनाइज और नए बड़े प्रोजेक्ट्स में डील करने का। अनऑर्गेनाइज में तो बिना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बट उसको अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर में डील करना है तो उसको रेरा रजिस्ट्रेशन मस्ट। इसमें जो बायर्स हैं, बायर्स को रेरा के आने से क्या फ़ायदा मिला है? पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि जो बिल्डर के कमिटमेंट होते थे कंस्ट्रक्शन के टाइमिंग के, वो बिल्डर काफ़ी बिल्डर फेलियर हुए हैं। टाइम पे पोजीशन ना मिलना, क्वालिटी में वो दम ना रहना जो बिल्डर ने कमिट किया था, और जो कमिट बिल्डर जो ब्रोशर में दिखाता है अच्छी ग्रीनरी, अच्छी एम्बियांस, अच्छे लैंडस्केपिंग, वो नहीं होती थी। अब ऐसा होना बहुत मुश्किल हो पाएगा अगर बिल्डर ने प्रोजेक्ट को, डेवलपर ने जो प्रोजेक्ट रजिस्टर कराया उसको सारी चीज़ें अपने ब्रोशर में जो दी है उसको रेरा की साइट पर भी रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर उससे डेविएट होता है, बिल्डर कोई कमिटमेंट फेल होता है तो बिल्डर पे हेवी पेनल्टी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पहले कई बार ऐसा होता था, रेरा के आने से पहले देखा गया है कि बिल्डर कई बार रियल्टर्स के पैसे खा जाते थे, उनकी ब्रोकरेज उन्हें नहीं देते थे, तो अगर जो रियल्टर्स हैं वो रेरा में रजिस्टर होंगे तो क्या उनको इसका फ़ायदा मिलेगा कि बिल्डर से पैसे लेने में और जो उनकी ब्रोकरेज है वो नहीं मरेगी? देखिए, रेरा में इसका कोई भी प्रावधान नहीं है एजेंट की कमीशन का, एजेंट को कहीं भी सिक्योर नहीं किया गया है, चाहे रेरा में रजिस्टर्ड हो चाहे ना हो। अगर एजेंट का बिल्डर के साथ रिटर्न में एग्रीमेंट है तो बहुत कम चांसेस है बिल्डर उसको डिफ़ॉल्ट करेगा, बट ये इसके बेसिस पे रेरा का मतलब रेरा इसमें कुछ भी बिल्कुल साइलेंट है। इस मामले में रेरा ना रियल्टर को हेल्प करता है, इस मामले में सीधे रियल्टर को या जैसे एसोसिएशन हमारी RR है ऐसी एसोसिएशन जुड़ना पड़ेगा, बिल्डर को प्रेशर किया जा सकता है, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा बिल्डर पैसा क्यों नहीं दे रहा है। कई बार ऐसा होता है कि बिल्डर अपनी जगह सही होता है, रियल्टर ने बुकिंग करा दी उसके बाद आगे के फॉलोअप नहीं किए, पेमेंट नहीं किए तो बिल्डर रोक देता है, और कई बार बिल्डर की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ख़राब हो जाती है। पिछले एक साल से देखा होगा कई बिल्डर को लिक्विडिटी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो भी नहीं दे, तो ये केस टू केस वेरी करेगा। इसमें रेरा का मुझे नहीं लगता कोई इंटरफेरेंस होगा। मार्केट में जो काफ़ी सारा चीज़ें मैस हो गया था, एक रियल्टर्स अलग हो गए थे, जो होम बायर्स थे वो अब घर लेने से डर रहे थे क्योंकि प्रोजेक्ट सारे डूब रहे थे, कहीं फ्रॉड आ रहे थे, काफ़ी सारे फ्रॉड्स की चीज़ें सामने आई थी, तो अब जब रेरा आ गया तो क्या इससे होम बायर्स के अंदर कोई हौसला आया इसका कि अब हम ले सकते हैं रेरा? क्या रेरा आ गया 100% काफ़ी पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक हवा बह रही है आजकल, और जो पिछले साल ऐसा हो गया था कि लोगों का बिल्डरों से मोह भंग हो गया था, लोग कह रहे थे बिल्डर की तो लेनी ही नहीं है, जब तक रेडी ना हो तब तक लेनी ही नहीं है। इससे क्या हुआ था कि मार्केट काफ़ी डाउन हो गया था प्रॉपर्टी रेट, रेरा के आने से लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ा है, अब उन्हें लगता है कि उनके पैसे सेफ हैं। और अभी महाराष्ट्र में काफ़ी डिसीजन हुए हैं जो बिल्डर को अगेंस्ट में, कई बिल्डरों ने जिन्होंने डिफ़ॉल्ट किया था उनके खिलाफ रेरा ने स्ट्रिक्ट डिसीजन लिए हैं, पेनल्टीज इम्पोज की है, तो जिसके कारण कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और पिछले हम 3 महीने से देख रहे हैं जो पिछले नोटबंदी के बाद GST और रेरा के आने के बाद जो मार्केट डाउन हुआ था, लेकिन पिछले 3-4 महीने से देख रहे हैं हमें मार्केट वापस पुश मिलता है, हमारे पास क्वेरीज बढ़ गई है। दिवाली के बाद से हम देख रहे हैं मार्केट काफ़ी पॉजिटिव है और वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट नियर फ्यूचर। 2018 में लग रहा है कि हमने जो जितना संघर्ष देखा है पिछले 2017 में उतना ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहेगा 2018। शुक्रिया सर अपना कीमती समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ रेरा से रजिस्टर्ड एक रियल्टर। आगे और भी बातें चलती रहेंगी।